हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ जीरा राइस। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने 2.5 कप मैंने चावल लिया है और इसको आधा घंटा से भिगो दिया है मैंने। और 2.5 कप के 2.5 कप चावल के हिसाब से 5 कप पानी होना चाहिए, लेकिन मैं इसको कुकर में बना रही हूँ और आधा घंटे से भीगा हुआ है, तो मैं 4.5 कप पानी यूज़ करूँगी। और इसको बनाने के लिए मैंने घी लिया है, 3 टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी। और 1 टी स्पून मैंने जीरा लिया है, और 1 बड़ी इलायची लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और 4 लौंग लिया है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें घी डाल दे रही हूँ 3 चम्मच तक। और इसमें जीरा और गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा इसको कड़क जाने देंगे। और गैस का फ्लेम अब कम कर देंगे, जैसे पानी डालें तो ऊपर की तरफ पानी ना आए और घी ऊपर की तरफ ना उड़े, तो इसलिए मैं इसको कम कर दे रही हूँ। जब पानी डालना हो तो गैस का फ्लेम कम कर दें और थोड़ा सा इसको ठंडा होने तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लें, नहीं तो बहुत तेज़ से मतलब आवाज़ भी आएगी और पानी भी ऊपर आ जाएगा, तेल भी। अब ये मसाले हमारे अच्छी तरह से इसमें हो गए हैं फ्राई, और ये अच्छी तरह से थोड़ा इसमें कड़क सी आ गई है, और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया था क्योंकि पानी डालना है इसमें, नहीं तो तेल और पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसका थोड़ा वेट कर लें, पानी तेल ज़्यादा घी या कोई भी चीज़ ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसमें नमक डाल देंगे और इसको उबलने देंगे। चावल का पानी उबलने लगा है, अब मैं इसमें चावल डाल दे रही हूँ। कुकर का ढक्कन लगा दिया है मैंने और गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। पहले मैंने हाई किया हुआ था, जब ढक्कन लगा रही थी तब हाई था, और अब मैंने इसको मीडियम पे करके और इसको 1 सीटी आने का है, वेट करना है, और 1 सीटी आने के बाद गैस बंद कर देना है, और बंद करने के बाद कोई कपड़ा इस पर रख देना है जिससे इसमें स्टीम जल्दी से ना निकले, और फिर हमारा चावल तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसको गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है और मैं वेट करूँगी इसका 1 सीटी आने का। अब कुकर में से भाप निकल गया है और मैं ढक्कन खोल दे रही हूँ। और ये चावल अच्छी तरह से हो गया है, और ढक्कन खोल के चावल को थोड़ा सा नीचे ऊपर कर देना चाहिए, नहीं तो फिर चावल और चिपचिपा हो जाता है। कुकर में चावल बनाने से उसको ढक्कन खोल देना चाहिए, उसी तरह बंद नहीं छोड़ देना चाहिए, तो फिर अच्छा चावल बनता है। तो ये चावल बहुत ही अच्छा बन गया है हमारा, खिला खिला सा, और मैं चम्मच से पीछे वाले हिस्से से इसको अच्छी तरह नीचे ऊपर कर दे रही हूँ जिससे इसमें स्टीम हो तो वो भी बाहर आ जाए और चावल खिला खिला रहे। अभी हमारा जीरा राइस तैयार हो गया है और बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत कम टाइम में। और आप इस चावल को बनाइए और किसी भी पनीर के साथ या राजमा के साथ आप इसको सर्व करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।